दोस्तों, इस वीडियो में जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऑटो सेक्टर का शेयर से, और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 17,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मदर्स एंड सुमी के बारे में। मदर्स एंड सुमी, जिसने पास्ट में 9 बार आपको बोनस दिया है, साथ ही साथ 2 बार आपको स्प्लिट दिया है, 1 बार आपको राइट्स इश्यू भी दिए हैं, और इसी के साथ में हर साल आपको डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मदर्स एंड सुमी, जो कि पिछले 20 सालों से अपने शेयर होल्डर्स को हर साल यहां पर डिविडेंड देता आ रहा है, आज वो शेयर्स 270 रुपये से गिरकर 221 रुपये पर आ जाता है। तो क्या आपको यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर 100% लगता है कि फ्यूचर का मल्टी बैगर शेयर्स भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर फंडामेंटली अगर हम इस शेयर्स को देखें तो ये बहुत स्ट्रांग है। और साथ ही साथ पास्ट में, यानी कि अगर पिछले 1 साल का भी अगर आप रिटर्न्स उठाकर देखेंगे, जो कि मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, तो पिछले 1 साल के अंदर भी इस शेयर्स ने लगभग 74% तक के रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को बना कर दिए हैं। फंडामेंटल नंबर्स की बात करूं तो आप फंडामेंटल्स नंबर भी यहां पर देख सकते हैं। जो कंपनी ने रिसेंटली जून क्वार्टर के नंबर्स अपने यहां पर रिलीज किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं रेवेन्यू के अंदर 88% की ग्रोथ, नेट इनकम के अंदर 135% की ग्रोथ, ईपीएस के अंदर 135% की ग्रोथ, और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 118% की ग्रोथ। ओवरऑल फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है इस शेयर्स के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये शेयर्स अभी आपको एक कंसोलिडेशन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, और बियरिश मोड में ये शेयर्स हमें पूरी तरीके से जाता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि रिसेंटली जो एक यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं नियर टर्म प्रेशर्स फॉर मदर्स एंड सुमी ड्यू टू सप्लाई डिसरप्शंस, यानी कि कोविड पेंडेमिक के कारण जो इनकी सप्लाई के अंदर डिस्टर्बेंस हुए हैं, जिसके कारण मदर्स एंड सुमी के अंदर आपको ओवरऑल ये गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये गिरावट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली है, ये गिरावट आपको शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलने वाली है। मदर्स एंड सुमी रिपोर्टेड अ म्यूटेड परफॉर्मेंस इन द जून क्वार्टर बिकॉज ऑफ मल्टीपल इश्यूज अक्रॉस इट्स मेजर मार्केट्स, वाइल ग्लोबल ऑपरेशंस वेयर इम्पैक्टेड बाय प्रोडक्शन स्टॉपेजेस ड्यू टू एरेटिक सप्लाइज, डोमेस्टिक बिजनेस अंडर परफॉर्म ऑन अकाउंट ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शंस। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो भी आपको कंपनी की सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल रहा है, वो सीधा सा यहाँ पर कोविड से बिलोंग करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पर अगर अपडेट देखेंगे, तो 11 अगस्त 2021 के दिन ही मोतीलाल ओसवाल ने मदर्स एंड सुमी को लेकर बाय की रेटिंग दी है, और इसके 285 रुपीज़ के टारगेट दिए हैं। मुझे नहीं पता 285 रुपीज़ के टारगेट कब तक कंपनी अचीव कर सकती है, लेकिन अगर आपने इस शेयर के अंदर 250, 260 या फिर 270 रुपीज़ के लेवल से भी खरीदारी कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस शेयर्स के लिए आपको बिल्कुल भी लॉस में अपनी पोजिशंस को स्क्वेयर ऑफ करने के लिए नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहना चाहूंगा कि अगर आप यहां पर और फ्रेश बाइंग कर सकते हैं तो आपको अपने एवरेज को यहां पर बेटर करना चाहिए। मदर्स एंड सुमी, जिसकी बोनस हिस्ट्री आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2018 में 1:2 के रेशो का बोनस, 2017 में भी 1:2 के रेशो का बोनस, 2015 में 1:2 के रेशो का बोनस, 2013 में 1:2 के रेशो का बोनस, 2012 में 1:2 के रेशो का बोनस, और डेफिनेटली आगे भी आपको बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट जैसी बड़ी अपडेट्स यहां पर 100% देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं कंपनी की अपडेटेड आपको जून क्वार्टर की, जी हाँ दोस्तों, जून क्वार्टर की म्यूचुअल फंड्स की अगर होल्डिंग्स भी बताऊं, तो ICICI प्रूडेंशियल, जिन्होंने अपने स्टेक को मदर्स एंड सुमी के अंदर लगभग 1.13% से इंक्रीज करा है, साथ ही साथ एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट जी, जिसने लगभग 20% से अपने स्टेक को इंक्रीज करा है, DSP फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट, जिसने लगभग 16% से अपने स्टेक को इंक्रीज करा है, और जितनी भी ये म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, अगर आप इनका स्टेक का अमाउंट्स भी देखेंगे तो ये सारा अमाउंट्स रुपीज इन करोड़ में आपको देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स का स्टेक तो हमें एज इट इज़ कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, प्लेस का रेशियो भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स और DII यहाँ पर अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के अंदर भी हमें लगभग 9.72% का स्टेक यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आपने मदर्स एंड सुमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली मेरा आपके लिए यही ओपिनियन है
आप यहां पर अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं। ओवरऑल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देख सकते हैं, लगभग 70,000 करोड़। माफ़ करिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा यहाँ पर गलत पेटिशन दे दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं लगभग 70,000 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में अगर हम मदर्स एंड सुमी के पी रेशो की भी बात करें तो यहाँ पर 32.69 का पी रेशो निकल कर आ रहा है। और इसी के साथ में अगर हम कंपनी के डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की भी बात करें तो 0.60% का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज निकल कर आ रहा है, यानी कि ओवरऑल कंपनी डिविडेंड भी काफी अच्छा यहां पर प्रोवाइड करती है। इसी के साथ में अगर हम मदर्स एंड सुमी के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स को भी उठाकर देखें तो पिछले 5 साल में 56% का रिटर्न, पिछले 3 साल में लगभग 14% का रिटर्न और पिछले 1 साल में लगभग 84% तक का रिटर्न्स यहां पर शेयर्स ने बनाकर दिया है। लेकिन भले ही आपको यहां पर पिछले 3 साल और 5 साल में रिटर्न्स कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए, कंपनी का एक ही पहलू मत देखिए, कंपनी का दूसरा पहलू भी देखिए। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, कंपनी ने बोनस भी दिया है, कंपनी ने स्प्लिट भी दिया है। तो अल्टीमेटली कंपनी ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बोनस को काउंट नहीं करें, स्प्लिट को काउंट नहीं करें, डिविडेंड को काउंट नहीं करें, तो ओवरऑल कंपनी ने पिछले 5 सालों के अंदर शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आने वाला फ्यूचर ऑटो सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि यहाँ पर ऑटो सेक्टर की जो जो कंपनियाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर काम करने वाली हैं उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिसमें अगर मदर्स एंड सुमी की बात करें तो मदर्स एंड सुमी भी अब अपने बिजनेस को यहाँ पर एक्सपांड कर रही है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस कर रही है। तो ओवरऑल मेरा एट द एंड यही आपके लिए ओपिनियन है कि अगर आपने मदर्स एंड सुमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 205 रुपये का सपोर्ट लेकर आप इसके अंदर अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो शेयर्स अभी आपको, अगर इसके RSI लेवल और MFI लेवल की बात करें तो दोनों अभी आपको मिड रेंज के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर फ्रेश पोजीशंस भी बना सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। कंपनी की अगर डिविडेंड हिस्ट्री भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं तो देख सकते हैं आप 2020 में लगभग 150% का डिविडेंड, 2019 में भी 150% का डिविडेंड, 2018, 17, 16, मैंने कहा ना आपको हर ईयर में कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, जिसको देखते हुए डेफिनेटली आप इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ मदर्स एंड सुमी के अंदर कब तेज़ी आएगी, तो डेफिनेटली जब आपको पैंडेमिक का इम्पैक्ट पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए देखने को मिल चुका होगा, साथ ही साथ जो मदर्स एंड सुमी के अंदर सप्लाई इफेक्ट हो रही है वो सप्लाई पूरी तरीके से अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको वापस इस शेयर के अंदर बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।